गाइस नमस्कार, मेरा नाम है भावेश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल खबर आप तक। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका एक और अपडेट वीडियो के साथ। आज की खबर आपको बता रहे हैं अमेज़ॉन की तरफ से। अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट पर आप ऑनलाइन शॉपिंग आजकल के ज़माने का बहुत अच्छा ट्रेंड है, सभी लोग घर बैठे ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए क्रेडिट कार्ड होना चाहिए था, पेमेंट करना पड़ता है। लेकिन अब अमेज़ॉन ने अपनी एक नई स्कीम शुरू कर दी है जिसमें आपको अब क्रेडिट कार्ड नहीं भी है तो भी आप ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं वो आज को मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। अमेज़ॉन पे EMI स्कीम का नाम है और इसमें बिना क्रेडिट कार्ड के आप इसमें शॉपिंग कर सकते हैं और आप सबसे बड़ी बात ये किस्तों में पेमेंट कर सकते हैं, लेकिन आपकी शॉपिंग 8000 से ले ऊपर होनी चाहिए और 60000 तक आप इसमें शॉपिंग कर सकते हैं। यानी कि फ़ोन के लिए स्पेशली ये बहुत अच्छा है। अगर आप स्मार्टफोन लेना चाहते हैं और आपके पास क्रेडिट कार्ड नहीं है और कैश भी नहीं है और आपको फ़ोन लेना है और आप ये सोच रहे हैं कि आपको EMI में कहीं से फ़ोन मिल जाए तो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अमेज़ॉन पे EMI स्कीम के तहत आप 8000 से ऊपर का फ़ोन EMI पर ले सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, Amazon.in की साइट पर जाकर के Amazon पे EMI पेमेंट के ऑप्शन पर आपको जाना है। दूसरा, पेमेंट ऑप्शन को चेक करने के लिए वन टाइम सेटअप प्रक्रिया में 3 से 12 महीने की जो भी आप EMI करवाना चाहते हैं वो आप पूरी कर दें। तीसरा, आपको क्या करना है, फिलहाल यह पेमेंट मोड प्लेटफॉर्म सिर्फ मोबाइल के लिए उपलब्ध है, आप मोबाइल की इसमें शॉपिंग कर सकते हैं। तो चौथा जो कारण है, इस पेमेंट के मोड में एक बार केवल एक ही सामान की खरीदारी आप कर सकते हैं। यानी कि आपको एक बार आप गए, आपने ऑप्शन को सारा फ्लिप कर दिया, आपको जो फ़ोन लेना है उसका जो पेमेंट का जितना EMI आप देना चाहते हैं, 6 EMI में, 12 में या 3 EMI मिनिमम होगी, तो आप उसको डाल दें, लेकिन एक बार में एक ही सामान आप खरीदारी कर सकते हैं। बात ध्यान रहे 8000 से 60000 के बीच में आपको शॉपिंग करनी है, 8000 से कम का प्रोडक्ट आप नहीं खरीद पाएंगे। पाँचवा, प्रोडक्ट को खरीदने पर किसी भी प्रकार का कोई प्रोसेसिंग या कलेक्शन चार्ज आपको इसमें नहीं देना है। आप बिना किसी प्रोसेसिंग चार्ज के ये सीधा जो उसकी बेस्ट प्राइस जो है, उसकी मूल कीमत जिस फ़ोन की होगी वो ही आपको पे करना है, वो भी EMI में। उसके बाद अगला ये कि ग्राहक के अमेज़ॉन अकाउंट पर डेबिट कार्ड, आधार कार्ड या पैन कार्ड को लिंक करना पड़ेगा। आपके पास जैसे आपने जो डिटेल भरी उसके बाद अपना पैन कार्ड डाल दीजिए, अपना आधार कार्ड डाल दीजिए और अपना जो ATM का डेबिट कार्ड का पिन है वो आपको डाल के सबमिट करना पड़ेगा। उसके बाद क्या होगा कि मंथली जब आपकी डेट होगी EMI की, तो ऑटोमेटिक आपके अकाउंट से पैसा EMI का कटना शुरू हो जाएगा। यानी कि आपने 6 EMI की है 3000 की और आपने 18000 का फ़ोन लिया है, तो आपके खाते से हर महीने 3000 रुपये ऑटोमेटिकली डिडक्ट हो जाएंगे और आपके पास मैसेज आ जाएगा। अमेज़ॉन अकाउंट में EMI रजिस्टर करने के लिए सबसे पहले अपने स्मार्टफोन में Amazon.in ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और अमेज़ॉन ऐप से ही आप उसको ये स्कीम करें, किसी हर किसी लिंक से नहीं जाएं, वरना आप धोखा भी खा सकते हैं क्योंकि इसमें आपको बैंक डिटेल भी सबमिट करनी है। इसके बाद आपको रजिस्टर मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा और OTP आप डालेंगे तो ही ये रजिस्टर होगा और इसके बाद स्क्रीन पर एक अप्रूव्ड अमेज़न EMI लिस्ट शो हो जाएगी और ये आपको पूरा फ़ायदा EMI के तहत मिलेगा। सी बैंक, ICICI बैंक, केनरा बैंक, सिटी बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक, अगर आप इसके कस्टमर हैं तो आप EMI पे, अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड नहीं है तो भी आप फ़ोन ले सकते हैं अमेज़ॉन की वेबसाइट से। लाएंगे आपके लिए और रोचक जानकारी, देखते रहें वीडियो अपडेट, लाएंगे आपके लिए और रोचक जानकारी, देखते रहें हमारा यूट्यूब चैनल खबर आप तक। धन्यवाद।